Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our math class. In this class, we will study the chapter 9, exercise C. Okay, हमने exercise A और B में division सीखे थे. अब हमें division पे based कुछ word problems दिए हैं. आइए हम इन्हें solve करते हैं. First one है, 20 plants were planted in 5 equal rows. How many plants are there in each row? ये बोल रहे हैं कि 20 plants को 5 equal row में प्लांट करना है, मतलब 20 प्लांट हैं उनको 5 रोज में लगाना है. तो हर एक रो में कितने प्लांट लगाए जाएंगे, तो हमें एक के बारे में बताना है और हमें इक्वल ग्रुप करना है. तो हमने डिवाइड करना सीखा था. कैसे करते हैं हम 20 का डिवाइड बच्चों किससे कर देंगे, 5 से, कि हमें हर एक रो में 5 प्लांट्स लगाना है, सॉरी 5 रोज में हमें 20 प्लांट्स लगाना है. तो कितने प्लांट्स हर एक रो में लगेंगे, ठीक है, 5 रो हैं बच्चों, ठीक है, और 20 प्लांट्स है, तो 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आएगा, 5 4s are 20. अब क्या कर देंगे, माइनस, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0, तो दैट मीन्स 4 प्लांट्स हर एक रो में लगाए जाएंगे, ठीक है. नाउ सेकेंड वन है बच्चों, 6 फ्लैग्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 2 स्कूल्स. दो स्कूल्स हैं और टोटल फ्लैग कितने हैं, मीन्स फ्लैग मीन्स होता है झंडे, 6 फ्लैग्स हैं और दो स्कूल हैं. हाउ मेनी फ्लैग्स वर गिवन टू ईच स्कूल, हर एक स्कूल को कितने फ्लैग मिलेंगे. अब जैसे कि आप दो बच्चे हो, ठीक है, और 6 चॉकलेट्स हैं, तो हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, 3 चॉकलेट्स मिलेंगी. तो इसी तरीके से हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करके पता करेंगे हम, 6 फ्लैग हैं, 2 स्कूल्स हैं, तो 2 3s are 6, माइनस करेंगे 0, ठीक है, तो मतलब हर एक स्कूल को 3 फ्लैग्स मिलेंगे. थर्ड वन है बच्चों, 21 फ्लावर्स आर टू बी पुट इन टू 3 वेसेस इक्वली. 3 फ्लावर वेस हैं, ये फ्लावर पॉट जो होते हैं उनको फ्लावर वेस कहा जाता है, उसमें 21 फ्लावर्स को रखना है. अब हर एक वेस में कितने फ्लावर आएंगे, तो 21 का डिवाइड हमें 3 से करना है. 21 फ्लावर्स हैं, 3 वेस हैं, तो 3 7s are 20 21, माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ओके, तो दैट इज हर एक वेस में 7 फ्लावर आएंगे. नाउ देयर आर 32 कार्स इन 4 इक्वल रोज. 32 कार्स हैं 4 इक्वल रोज में, इसमें भी बताया है, बुक में भी सब पिक्चर देखेंगे, 32 कार्स को 4 इक्वल रोज में रखा गया है, तो कितनी कार हर एक रो में आई हैं, तो हम 32 का डिवाइड बच्चों किससे कर देंगे, 4 से करेंगे, ठीक है, 4 का डिवाइड 32 से करेंगे. 4 की टेबल में 32 कितने टाइम्स में आएगा, 8 टाइम्स में, 4 8s are 32, माइनस करेंगे 0 0, ठीक है, तो मतलब हर एक रो में, हर एक लाइन में कितनी कार्स हैं, 8 कार्स हैं, ठीक है. तो यह 4 वर्ड प्रॉब्लम्स थे इस एक्सरसाइज में, आपको इन सभी को सॉल्व करके देखना है और सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है. थैंक यू सो मच एवरीवन.